साथियों, आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आप जिस व्यक्ति से ये काम करवा रहे हैं कोर्ट मैरिज का, तो पहले ही कंफर्म कर ले कि वो नोटरी पेपर या फर्जी कोई काम ना करवाए, काम वो सरकारी करवाए, ताकि सरकारी काम सरकार की वेबसाइट में आप चेक कर पाए और पुलिस वाले या जिस भी अथॉरिटी को आप भेज रहे हैं वो भी उस कागज को सरकारी वेबसाइट पे चेक करके वेरीफाई कर पाए, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जब आप अपने कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो आपकी ड्यूटी भी बनती है कि टाइम से अपने घर वालों को और पुलिस वालों को इसकी सूचना दे दे, इंटीमेशन के द्वारा, जो आप ईमेल के द्वारा या डाक के द्वारा पुलिस वालों को भेज सकते हैं, SHO को जो लोकल थाने में होता है, और जो अपना SP या SSP ऑफिस होता है वहाँ पर भी इसकी इंटीमेशन आप भेज सकते हैं, जो आपकी एक ड्यूटी भी बनती है, ताकि पुलिस वालों को और घर वालों को पता हो कि एक्चुअल में आपने किया क्या है, आपके साथ क्या हो रहा है। और साथियों, ये इसलिए भी जरूरी है कि घर वालों के पास आपके कागज जो आ जाते हैं वो एक प्रूफ का भी काम करते हैं। मान लीजिए लड़के वाले हैं, उनके पास आपने कागज भेज दिए हैं, तो अगर पुलिस पूछताछ के लिए उनके पास आती है तो वो उसकी जानकारी, जो उनके पास कागज आए हैं उस बेस पे पुलिस वालों को उसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार से परेशान ना किया जा सके। अगर फिर भी पुलिस वाले गैर कानूनी रूप से उनको परेशान करते हैं आपके फैमिली मेंबर्स को, तो आपके फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि वह इसकी कंप्लेंट SSP ऑफिस में जाकर कर दें, जिसके लिए उनके पास प्रॉपर सबूत होते हैं, जो आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे होते हैं। और साथ ही इन सबके बाद अगर आपको लगता है लड़का या लड़की को या फैमिली मेंबर्स को कि उनको किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से जान का खतरा है, तो ऐसे में वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या हाई कोर्ट से अपने लिए सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। और अगर लड़का लड़की के खिलाफ किसी भी मामले में झूठी FIR दर्ज की गई है, तो ऐसे में आप उसको हाई कोर्ट से क्वेश्चन करवा सकते हैं, और उस FIR के दौरान अगर अरेस्ट होने की है तो आप अपने लिए स्टे ऑफ अरेस्ट या एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं।